हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूं ग्लोबल विलेज दुबई के बारे में। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे दुबई टूर के बारे में भी शेयर कर चुकी हूं और इसके अलावा एक्सपो 2020 के बारे में भी दो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा ऊपर दिए गए आई बटन में भी उन वीडियोस का मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी लिंक। आज आप सब मेरे साथ सैर करेंगे ग्लोबल विलेज दुबई की। जी हाँ बिल्कुल, इस जगह के बारे में ज़्यादा क्या बताऊँ आप सबको कि मेरे ख्याल में आप सब मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। जिन लोगों ने दुबई विज़िट किया है उन लोगों ने भी इस जगह को अगर एक्सप्लोर किया है तो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, और जिन्होंने दुबई विज़िट नहीं भी किया तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस जो है ग्लोबल विलेज दुबई के बारे में मिल जाती हैं। बट ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जगह है, बहुत अमेजिंग प्लेस है। यकीन माने पूरी दुनिया आबाद है इस जगह पे। आपके लिए पॉसिबल तो नहीं है कि आप एक ही दिन में पूरा ग्लोबल विलेज जो है वो विज़िट कर लें। ऑफ़ कोर्स काफ़ी मुश्किल होता है अगर आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम हो। खैर, आज का जो विज़िट है वो आपको, एक तो मैं जनरली ग्लोबल विलेज दुबई का विज़िट करा रही हूँ और उसके बाद हम चलेंगे जनाब पाकिस्तानी पवेलियन, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। क्या बात है जनाब प्यारे वतन पाकिस्तान की। जहाँ भी हमें पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ जाता है वो जगह तो हमारी अपनी ही जगह बन जाती है, और फिर हम उस जगह का विज़िट किए बिना तो रह ही नहीं सकते। खैर जनाब, पाकिस्तानी पवेलियन की शान आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में ही अगर आप एंट्रेंस देखें तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जब आप एंटर होते हैं ना तो आप एक बहुत ही खूबसूरत सा तासुर आप पे आता है। खैर, जब पाकिस्तानी पवेलियन में आप एंटर होते हैं तो एक आपको मेस्मराइजिंग सी जो कैफियत है ना वो तारी हो जाती है, और चूंकि हमारा कल्चर इतना रिच है तो आपको यहाँ पे जगह जगह वो डिस्प्ले में नज़र आएगा। खैर, पाकिस्तानी पवेलियन पे हमने जो विज़िट मैं आज करा रही हूँ ये सारा आपको इनका जो क्लोथिंग सेक्शन है, जो क्लोथिंग मार्केट है, बिकॉज़ आपको पता है कि हमारा जो पाकिस्तानी फूड है, कल्चर है, इसके अलावा हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं या हमारा जो फैब्रिक और मटेरियल है पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है और जाना जाता है। लेडीज़ जहाँ भी जाएं, आपको पता है कपड़ों की शॉपिंग उनकी तो हर जगह मस्ट ही होती है, और अगर कपड़ों का स्टॉल दिखाई दे जाए, इसके अलावा अगर पाकिस्तानी पवेलियन के अंदर आप जब जाएं तो बेसिकली यहाँ पे लेदर गुड्स जो हैं, पाकिस्तान की लेदर गुड्स दुनिया में जानी जाती हैं। यहाँ पे लेदर की जैकेट्स आपको मिलेंगी, बहुत ह्यूज रेंज मौजूद है। कॉस्ट वाइज अगर आप देखें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको कॉस्टली नज़र आएगा अगर आप उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखें, इसके अलावा यहाँ पर जनाब आपको मिलेंगे ह्यूज पाकिस्तानी अनस्टिच मटेरियल भी आपको मिलेगा हर तरह का, जो भी आप देखना चाहें। अनस्टिच फैब्रिक के अलावा यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडर्ड कश्मीरी शॉल्स के भी स्टॉल्स मिलेंगे। एम्ब्रॉयडर्ड जो कश्मीरी शॉल्स होती हैं वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, आपको पता है पाकिस्तान में अवेलेबल हैं ये, और यहाँ पर भी वो आपको डिफरेंट स्टॉल्स मिलेंगे। इसके अलावा डिफरेंट आर्टिफिशियल ज्वेलरी के भी स्टॉल्स हैं, यानी एक पूरी दुनिया आबाद है। जो चीज़ें आपको पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वही यहाँ पर भी आपको मिल सकती हैं। कपड़ों और लेदर गुड्स के अलावा यहाँ पर जनाब हमारे जो पाकिस्तानी सकाफती जो सोवेनियर्स होते हैं, या आप कह लें कि इस तरह की चीज़ें जो कि हमारी सकाफत का हिस्सा हैं, या ट्रेडिशनल आपको पॉट्स और डिफरेंट तरह के डेकोरेशन आइटम्स जो हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो वो भी आप यहाँ से आके ख़रीद सकते हैं, और बहुत ही अच्छी इन्होंने खूबसूरत चीज़ें रखी हुई हैं।
फूड सेक्शन की तरफ आज मैं आपको नहीं लेके जा रही हूँ, लेकिन ये जो पाकिस्तानी पेविलियन के अंदर स्टॉल्स हैं जिसमें आपको मैंने अभी विजिट करवाया है, डिफरेंट कपड़ों के स्टॉल्स हैं, लेदर गुड्स के स्टॉल्स हैं, और इसके अलावा जो पाकिस्तानी सकाफती सोवेनियर्स वगैरह होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स, उनके स्टॉल्स भी मौजूद हैं। आई होप आज का ये छोटा सा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आपको थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है पाकिस्तानी पेविलियन के हवाले से वो मिली होगी। अगर आप लोग अपना दुबई विजिट जो है वो प्लान कर रहे हैं और अगर आपने ग्लोबल विलेज को विजिट करना है तो ज़रूर आप पाकिस्तानी पेविलियन को भी विजिट करें, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, आपको मज़ा आएगा घूम के और शॉपिंग करके भी। यही थी जनाब आज की वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो गिव इट अ बिग थम्स अप और डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस वक्त भी दुबई एक्सपो 2020 जो है वो जारी है दुबई में, और बहुत से लोग जो हैं वहाँ जाने का प्लान भी कर रहे हैं और ऑफ कोर्स बहुत से लोग ऑलरेडी जा भी चुके होंगे। ऑल्दो कि इस वक्त ओमिक्रॉन का ख़तरा भी दुनिया पे मंडला रहा है और जिसकी वजह से ऑलरेडी एमिरेट्स ने काफ़ी सारी फ़्लाइट्स वगैरह भी जो अफ्रीका से आने वाली थी वो कैंसिल कर दी हैं, तो काफ़ी लोगों का जो प्रोग्राम है वो डिसमिस भी हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब ऑब्वियस सी बात है हम पिछले 2 सालों से जो है इसके साथ चल रहे हैं कोविड के साथ, तो आगे के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, प्रिकॉशन ज़रूर रखने चाहिए। और कोरोना के ख़तरे के बायस जैसे कि दुनिया जो है काफ़ी सुकड़ी है, एक दूसरे के साथ रबते मुनकता हुए हैं, आना जाना बंद हो गया है, फ़्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा हुआ है और इस तरह की वीडियोस जो हैं काफ़ी ज़्यादा गूगल पे और यूट्यूब पे जो है वो मिल जाती हैं, जहाँ पे बैठे घर बैठे बैठे हम लोग वर्चुअल टूर कर लेते हैं, दुनिया की एक कोने से दूसरे कोने की सैर कर लेते हैं। मेरी भी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल पे हमेशा आप सबके साथ इन्फॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग वीडियोस शेयर करूं, ताकि आप घर बैठे बैठे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने की वर्चुअल सैर कर लें। और मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हूं आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है कॉमेंट सेक्शन में। आज की ये वीडियो भी उसी कोशिश और काबिश का एक हिस्सा है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।